Energy is fire. Conversation is right. If you say tonight. Hi, my beautiful ladies, and welcome back to my YouTube channel, Shiny Days. I'm Sahej, and today I'm recreating this beautiful Korean makeup look. Yes, you guys are right. I have created beautiful Korean makeup look, and ये eye look बहुत ही अच्छा turn out हुआ है. Lips बहुत ही अच्छे turn out हुए. Like I don't know. पहले मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि ये look कैसा turn out होगा. But this is looking really nice. And मुझे बहुत सारी requests आई थी. Like literally बहुत सारी requests आई थी कि Korean makeup look मैं create करूँ. So this is the day I'll be creating this beautiful Korean makeup look. And if you guys wanted to know that how you can create, like this is a full tutorial with easy steps. And मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा हार्ड टेक्निक्स नहीं यूज किए. दिस इज अ रियली नाइस इजी स्टेप जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं. सो यू गाइज कैन फॉलो दैट एंड यू गाइज कैन ऑल्सो क्रिएट दिस ब्यूटीफुल कोरियन मेकअप लुक. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल देन प्लीज लेट्स जस्ट बिगिन. ओके, सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा स्किन केयर. एंड फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस फेस टोनर बाय द मॉम्स को. एंड इसको मैं थोड़ा सा अपनी कॉटन पे लेके मैं अपने फेस पे टैप करके लगा दूंगी. एंड अगर आपने मेरी स्किन केयर रूटीन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेक करना उसको. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस गार्नियर का ब्राइट कम्प्लीट सीरम. एंड इसको मैं अपने फेस पे लगाऊंगी. और ये बहुत ही अच्छा सीरम है गाइज, आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट कर देता है एंड बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है. उसके बाद मैं ले रही हूँ ये न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल. एंड इसको भी मैं अपने फेस पे लगाऊंगी. दिस इज अ मॉइस्चराइजर जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस. सो माय स्किन केयर इज डन. नाउ आई एम टेकिंग दिस सिल्क ब्लर प्राइमर. दिस इज फ्रॉम प्रॉड और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस. दिस इज वेरी हाइड्रेटिंग. मैं इसको थोड़ा सा लेके अपनी स्किन पे लगाऊंगी बिकॉज दिस इज कोरियन मेकअप. एंड आप लोगों ने देखा होगा कोरियन की स्किन ही इतनी अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा ग्लोई होती है एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है. सो आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट ताकि हमारी स्किन थोड़ी सी स्मूथ हो एंड ग्लोई लगे नेचुरली. एंड ये प्राइमर भी बहुत ही अच्छा है गाइज. ये मुझे सैम्पल साइज का प्रोडक्ट मिला था प्रॉश से. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस लास्टिंग परफेक्शन का कंसीलर एंड आई एम इन द शेड 3. एंड इसको मैं अपने डार्क सर्कल्स पे लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा अपनी इनपरफेक्शन को हाइड करने के लिए. एंड देन मैं एक ब्रश से इसको ब्लेंड कर दूंगी. यू गाइज नो आई लव यूजिंग डार्क कंसीलर्स टू करेक्ट माई अंडर आईज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑरेंज करेक्टर्स. एंड कोरियन मेकअप में आपने देखा होगा कि वो बहुत ही लाइट शेड का फाउंडेशन यूज करते हैं और एक्चुअल में भी उनका स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा लाइट ही होता है. सो फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस मेबलिन फिटनी फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 105. इट्स द शेड नेचुरल आइवरी. ये मेरी स्किन से बहुत ज्यादा लाइट है बट वी हैव टू यूज दिस बिकॉज वी आर डूइंग कोरियन मेकअप. तो मैं इसको थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे ले रही हूँ एंड दिस इज वेरी लिक्विडी गाइज, यू गाइज कैन सी. एंड देन आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ दिस लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन एंड मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी बहुत ही हल्का सा. और ये भी बहुत ही लाइट शेड है. दिस इज द शेड आइवरी. एंड देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से पहले इसको मिक्स करके एंड मैं अपने पूरे फेस पे इसको लगाऊंगी. मैं थोड़ा सा नेक पे लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस एंड नेक का कलर इक्वल हो जाए. फर्स्ट आई एम ब्लेंडिंग माय नेक एरिया. दिस इज अ रियली लाइट शेड फॉर मी बट ये फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है. ओह माय गॉड, माय फेस इज लुकिंग वेरी वाइट बट हम इस पे कॉन्टोर करेंगे तो हमारा फेस नॉर्मल लगने लग जाएगा. देन टू हाईलाइट माय फेस आई एम टेकिंग दीज टू कंसीलर्स राइट हेयर. वन इज फ्रॉम अगेन लास्टिंग परफेक्शन बट दिस इज द शेड 1 लाइट एंड दूसरा जो है वो मेबलिन फिटनी का है एंड आई एम इन द शेड सैंड 20. सो मैं इन दोनों का लगाऊंगी. मैं अपने इनर पार्ट्स में लाइट कंसीलर लगा रही हूँ एंड अपने आउटर पार्ट्स में मैं मेबलिन वाला लगाऊंगी. देन मैं एक फ्लैट ब्रश लेके अपने कंसीलर को ब्लेंड कर दूंगी. लाइक आपने देखा होगा कि वो लोग अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए यहाँ पे टेप्स लगाते हैं एंड नोज में भी कुछ चीज वो लोग इंसर्ट करते हैं बट आई एम नॉट डूइंग ऑल दैट. आई एम जस्ट डूइंग द मेकअप लुक व्हाट दे वियर. एंड मैं थोड़ा सा कंसीलर अपनी आईलिड्स पे भी लगा दूंगी मेरे आई शेडो बेस के लिए. नाउ कमिंग टू द ब्लशर बिफोर माई पाउडर आई एम टेकिंग दिस रिमेल के लिपस्टिक. इसको मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेके थोड़ी सी, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, कलर भी बहुत प्यारा है गाइज, यू गाइज कैन सी. इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे हल्का सा लेके अप्लाइंग दिस ऑन माई चीक्स.
एंड ऑल्सो मैं इसको अपनी आईज के पास लेके जा रही हूँ थोड़ा सा जस्ट टू गिव द कोरियन लुक. देन टेकिंग सम मोर एंड मैं इसको अपने नोज के अपर पार्ट पे यहाँ पे लगाऊंगी. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर एंड इसको हम अपने फेस पे डस्ट करेंगे अपने फेस को सेट करने के लिए. इसको लेके अपने फेस को सेट कर दूंगी. लाइक आपने देखा होगा कि वो भर भर के पाउडर लगाते हैं अपने फेस पे जस्ट टू मैटिफाई द फेस. आई एम डूइंग द सेम राइट नाउ. सो मैंने अपना फेस सेट कर लिया है. नेक्स्ट कमिंग टू माई ब्राउज आई एम टेकिंग दिस एल ए गर्ल का जेल आई लाइनर इन द शेड डार्क ब्राउन एंड ये बहुत ही अच्छा ब्राउ पोमेड की तरह भी काम करता है. सो आई एम डूइंग माई ब्राउज विद इट. मैं पहले अपने ब्राउज को कॉम कर लूंगी एंड मैं अब थोड़ा सा स्ट्रेट ब्राउ रखूंगी जैसे कि कोरियंस के होते हैं. I have extra arc यहाँ पे जिसको मैं हटा नहीं सकती बट आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट ब्राउ करूँ आज. Now I'm taking a little bit of concealer and let's see if we can cover the brow straight look देने के लिए. हमने almost straight brow create कर लिया है but मैं ज़्यादा straight भी नहीं कर पा रही हूँ इसको. Now doing my other brow. So हमने अपने brows को complete कर लिया है and ये थोड़ा सा straight है but ज़्यादा straight नहीं है यहाँ से because I have a natural arc यहाँ पे. Next to contour my face, I'm taking this contour palette. This is from Makeup Revolution. एंड इसमें से मैं ये कॉन्ट्रोल शेड लेके अपने फेस को कॉन्ट्रोल करूंगी. कॉन्ट्रोलिंग माई चिक बोन्स ऑल्सो राइट हेयर ताकि मेरा फेस थोड़ा सा स्लिम दिखे. यू गाइस कैन सी द डिफरेंस. एंड मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ जस्ट टू अ लिटिल स्लिमर एंड थोड़ा सा मेरा फेस भी राउंडेड लगे. अभी थोड़ा सा मेरा फेस अजीब लग रहा है बट ट्रस्ट मी गाइस ये लुक कंप्लीट होके बहुत ही अच्छा लगने वाला है. टेकिंग अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड मैं अपने नोज को भी कॉन्ट्रोल कर दूंगी. लाइक वो लोग अपने हाथ से कॉन्ट्रोल करते हैं तो लेट्स जस्ट डू विद माय हैंड्स. लाइक हैंड से काफ़ी अच्छा नोज कॉन्ट्रोल होता है. अगर आप लोगों ने मेरी नो ब्रश मेकअप लुक अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसको मैं लिंक दे दूंगी आप ज़रूर चेक करना. वो बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ था गाइज एंड मैं आई लाइनर एंड मस्कारा तक अपने हाथ से लगाया था. तो बहुत ही फन वीडियो है आपको ज़रूर देखनी चाहिए. नाउ टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम ब्लेंडिंग एवरी थिंग. थोड़ा सा लाइटर कंसीलर लेके अपने नोज को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी. नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस ब्रॉन्जी ब्लशर पर्ल्स. ये बहुत ही प्यारा ब्लशर है एंड दिस इज फ्रॉम ओरिफ्लेम यू गाइस एंड इसने बहुत ही अच्छा ग्लो दिया है मेरे फेस को. सो आवर बेस मेकअप इज ऑलमोस्ट डन. नाउ आई एम गोइंग फॉर माई आईज एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग दीज टू पैलेट्स राइट हेयर. वन इज दिस ब्यूटिफुल न्यूज पैलेट दिस इज फ्रॉम स्टार्ट मेकर्स. अदर वन इज दिस निका के न्यूयॉर्क पैलेट में भी बहुत ही प्यारे शेड्स हैं गाइस. यू कैन सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्राउन ट्रांजिशन शेड एंड विद अ लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश दिस इज द प्रोश P07. इसको अपनी पूरी आईज पे लगाऊंगी जस्ट टू गिव द ट्रांजिशन. इस लुक में कोई भी फेक क्रीज बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज कोरियंस की आईज थोड़ी हुडेड होती हैं तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा क्रीज नहीं चाहिए इसमें. वी विल वर्क ऑन आवर हुडेड आई एम ब्लेंडिंग दिस टू माय आईज. देन आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल पीच शेड with this P24 Prosh medium blending brush. Again taking the large blending brush and I'm blending this and मैं इसको थोड़ा सा intensify करूँगी shade को. I'm taking this orangish peach shade. थोड़ा सा glittery है ये and इसको मैं इस shade के ऊपर लगाऊँगी. You guys have seen कि उनकी eyes काफ़ी ज़्यादा glittery और shimmery होती हैं so I'm creating that. एंड मैं इसके सिर्फ एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ एंड बीच में मैं नहीं लगा रही ताकि मेरा कलर फेड ना हो. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस ब्यूटीफुल पर्ली शेड एंड इसको एक फ्लैट ब्रश से इनर पार्ट ऑफ द आईज पे लगा दूंगी. लाइक देन आई एम टेकिंग दिस पिंक शेड राइट हियर एंड विद द सेम ब्रश आई एम अप्लाइंग दिस टू माई इनर पार्ट ऑफ द आईज एंड मैं अपनी फिंगर से इसको टैप कर रही हूँ जस्ट टू ब्लेंड एवरीथिंग. After that, I'm taking this burgundy glittery shade. I feel like this is the perfect palette for Korean makeup. बहुत ही अच्छी palette है, बहुत ही shimmery shades हैं इसमें. Glitter particles भी हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं आपकी eyes पे guys. Then I'm taking a small blending brush and मैं इसको थोड़ा सा blend कर दूंगी. Then I'm taking this silver shade and मैं इसको अपनी finger से ही ले रही हूँ. मैं इसको अपनी आईलाइट के ऊपर लगाऊंगी जस्ट टू गिव द ग्लिटरी लुक जैसे कि वो लगाते हैं अपनी पूरी आईज पे एंड बहुत ही ग्लिटरी और पॉपिंग लगता है. अगेन टेकिंग द लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई एम ब्लेंडिंग एवरीथिंग आउट. मूविंग ऑन टू माय लोअर लैशेस आई एम टेकिंग दिस पीच शेड अगेन. फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस
eyeliner brush. This is from Prosh P14. And मैं इसे ये डार्क ब्राउन शेड लेके आई एम कंट्रोलिंग माई आई, जैसे कि उनकी होती है आई नीचे से, आई एम क्रिएटिंग दैट का ब्लेंडिंग ब्रश एंड मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी. इट्स माई आईज आर लुकिंग लाइक कोरियन आईज. यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्किन दिख गई होगी जो कि एक्चुअल में कोरियंस की होती है, बट जिनकी नहीं होती वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है उनके फेस के साथ, फेस के स्ट्रक्चर के साथ. टेकिंग द डार्क ऑरेंजी शेड, इसको मैं अपने आउटर पार्ट पे लगाऊंगी. आई एम एक्चुअली रिक्रिएटिंग जो मैंने ऊपर क्रिएट किया है उसी को मैं नीचे क्रिएट करने जा रही हूँ. सो अगेन टेकिंग द बर्गंडी शेड फर्स्ट और इसको मैं यहाँ लगाऊंगी. देन टेकिंग द पिंक शेड एंड इसको मैं थोड़ा सा मिडल ऑफ द आईलिड में लगाऊंगी. टेकिंग दिस कलर क्वींस का पेन आईलाइनर एंड हम इससे सिर्फ अपना आउटर विंग क्रिएट करेंगे. ब्लेंडिंग ब्रश लेके इसको थोड़ा सा स्मज आउट कर दूंगी लाइन को. Now I'm taking this mask का sand nude काजल. This is the nude काजल और ये बहुत ही प्यारी पैकेजिंग में आता है guys. And इसको मैं अपने lower waterline में लगाऊंगी. Now for the fun part, I'm creating fake lashes and I don't know मैं बना पाती हूँ कि नहीं fake lashes. Moving to the mascara, I'm taking this Falsies Lash Lift Mascara by Maybelline. एंड मैं अपने लैश को बीच में से कट करके मैं सिर्फ आउटर पार्ट पे लैशेज लगाऊंगी. लाइक आई रियली डोंट नो कि ये मेकअप लुक कैसा टर्न आउट हो रहा है, बट आई फील थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा है. फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने कोरियन मेकअप. मैंने अपनी लैशेज लगा लिया है. लैश ग्लू के लिए मैंने यूज़ किया मिस क्लेयर की आई लैश ग्लू इन द डार्क टोन. देन अगेन मैं मस्कारा लेके मैं अपनी इनर लैशेज को एक बार फिर से कोट कर दूंगी ताकि मेरी दोनों लैशेज मर्ज लगें. लास्ट फॉर द हाईलाइटर आई एम टेकिंग दिस शेड अगेन. बहुत ही प्यारा सा सिल्वरी पिंकिश शेड है एंड सबसे पहले मैं एक स्मॉल ब्रश से इससे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी एंड देन मैं अपने फेस को करूँगी, क्योंकि कोरियन मेकअप में वो लोग बहुत ही ब्लिंगी ब्लिंगी सा हाईलाइटर लगाते हैं, लाइक बहुत ही ग्लिटरी होता है वो. तो मैं एक फैन ब्रश से ये शेड लेके वेरी ग्लिटरी हो गाइस एंड मैं अपने फेस पर लगाऊँगी. बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, ट्रस्ट मी इन रियल ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है. नाउ कमिंग टू माई लिप्स, आई हैव दीज टू लिपस्टिक राइट हियर. वन इज फ्रॉम रिमेल जो हमने अपने चीक्स पे लगाई थी एंड द अदर वन इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. इसमें से मैं पहले ये लिपस्टिक साइड लेके अपने लिप्स पे लगाऊंगी एंड देन आई एम टेकिंग दिस रिमेल वाली लिपस्टिक एंड इसको हम सिर्फ अपने इनर पार्ट ऑफ द लिप्स में लगाएंगे. आई एम टेकिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश एंड so our Korean makeup look is done and now मैं अपनी पूरी look complete करके आती हूँ and I'm wearing these earrings. This is very beautiful you guys and also neck में मैं पहन रही हूँ choker जो कि काफी ज़्यादा trend में था कुछ time पहले and now I'm creating my fake bangs. so hairstyle is done and मैंने किए हैं fake bangs. मैंने अपने back वाले hairs को आगे करके and यहाँ पे इनको pin किया है you guys can see एंड मैंने हेयर बैंड डाला है ताकि ये पता ना लगे, बट दिस इज लुकिंग रियली प्रीटी यू गाइस. बिल्कुल ही कोरियन मेकअप लुक लग रहा है, बहुत ही प्रीटी लग रहा है गाइस. आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बहुत ही इजी स्टेप्स थे, हमारा आई लुक बहुत प्यारा लग रहा है, लिप बहुत अच्छे टर्न आउट, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग जस्ट सो ब्यूटीफुल. आई एम जस्ट इन लव विद दिस मेकअप, आई एम फीलिंग लाइक आई एम अ कोरियन गर्ल. एंड आपको ये लुक कैसा लगा एंड ऑल्सो आपको नेक्स्ट लुक कौन सा देखना है मुझे ये दो चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अपडेटेड व्हेनेवर आई पोस्ट एनी वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.